A very good morning to all of you, 12th commerce students. Now we are discussing the failure of planning in India. यानी कि इंडिया के अंदर जो इकोनॉमी की प्लानिंग की गई वो फेल कैसे हो गई, यह बात हमने डिस्कस कर ली है। अब तक हमने जो डिस्कशन किया था वो सक्सेस पर किया था कि हमारे कौन कौन सी ऐसी ऑब्जर्वेशंस हैं जिनके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमिकल प्लानिंग जो है वो सक्सेस हुई है। यहाँ पर अब हम क्योंकि तो एक ही चीज़ के दो साइडेड होते हैं, ऐसे ही एक साइडेड जो है इकोनॉमिक प्लानिंग की सक्सेस थी और दूसरी प्लानिंग की जो है वो फेलियर है। तो अब हम यहाँ पर फेलियर वाली कंडीशंस को डिस्कस करेंगे कि हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो जो 1991 में क्या हमने की थी वो कहाँ तक हमारी फेल हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑब्जर्वेशन जो हमने किया है वो किया है एब्जेक्ट पॉवर्टी। यानी पॉवर्टी एक ऐसा साइलेंट और सीरियस टॉपिक है कि जिसके बेस पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगर पॉवर्टी की परसेंटेज डिक्रीज हुई है तो समझ लीजिए हमारी प्लानिंग जो है वो सक्सेस हुई है, और अगर हमने पॉवर्टी की परसेंटेज को कंट्रोल नहीं किया वो डे बाय डे या फाइव ईयर प्लान के अकॉर्डिंग राइज हो रही है तो हमने जो है समझ लीजिए हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो फेल हुई है। अब हम बात करते हैं यहीं पर कि यहाँ पर कंडीशन क्या हुई है कि फेलियर क्यों इसको इन्वॉल्व किया गया फेलियर में। तो बताया गया कि एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी वाज सेंट्रल थीम ऑफ प्लानिंग। उन्होंने कहा है कि वैसे पॉवर्टी जो है ऐसे ही अनएम्प्लॉयमेंट जो है या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं कि जिनके बेस पर क्या ये डिसाइड किया जाता है कि प्लानिंग सक्सेस हो रही है या फेलियर हो रही है। तो यहाँ पर इन तीनों में से एक पॉइंट पॉवर्टी का है और पॉवर्टी को सेंट्रल थीम माना गया है किसी भी कंट्री की, और बताया गया है कि 21.9% ऑफ पॉपुलेशन स्टिल लाइव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। 21.9% जो जन पॉपुलेशन है वो आज भी पॉवर्टी के लाइन के डाउन क्या कहेंगे लीव कर रही है रह रही है। जब बताओ 22% जो है ओवरऑल पॉपुलेशन का 22% हमारी पॉवर्टी जो है वो पॉपुलेशन जो है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, तो हमें यहीं से एक आइडिया लगाना जाना चाहिए कि राउंड अबाउट 30% जो हमारी टोटल पॉपुलेशन जो है उसका 30% जो पीपल हैं वो हमारे बिलो द पॉवर्टी लाइन है। तो ऑटोमेटिकली आप ये देख सकते हैं कि हमारी जो पॉवर्टी को कंट्रोल करने की जो परसेंटेज है वो बहुत मिनिमाइज्ड है, इसलिए हम उसे एक फेलियर मान सकते हैं। दोज हु हैव नॉट एबल टू गेट शेल्टर, उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग भी बहुत सारे हैं इस कंट्री वर्ल्ड के अंदर या कंट्री के अंदर कि जो क्या कहना चाहिए आर नॉट एबल टू गेट वो हासिल नहीं कर पाते हैं कोई फूड कोई शेल्टर कोई क्लोथिंग। ये चीज भी अगर क्या कहना चाहिए अगर पर्सन अपने इनकम के अंदर अर्न नहीं कर पा रहा है तो समझ लीजिए वो क्या है आर एब्सोल्यूट पुअर, वो बहुत ही गरीब है। एंड दोज पुअर आर लिविंग इन इंडिया, ऐसे लोग 50% अवेलेबल हैं हमारे यहाँ पर कि जो रोजमर्रा की रेगुलर नीड्स को भी इतना अर्न नहीं कर पाते कि वो इनको फुलफिल कर सकें, फूड है क्लोथिंग है शेल्टर है। तो इसका मतलब हमारी पॉवर्टी के ऊपर जो कंट्रोल है उस पर हम कंप्लीटली फेलियर हैं, इसलिए हमारी इकोनॉमी के अंदर इस पॉइंट को फेलियर माना गया। नाउ द सेकंड फेलियर इज हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। बताया मैंने कि इकोनॉमिक प्लानिंग का जो हम डिस्कस कर रहे थे उसका पहला जो टॉप पॉइंट था वो आपको मैंने डिस्कस कर दिया, उसके बाद हम यहाँ पर अब सेकंड पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का पार्ट ये कहते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इन अनएफोर्डेबल कंडीशन, यानी कि मार्केट के अंदर प्राइस का कमोडिटी के प्राइस का हाई होना जो कि एक आम इंसान की पहुंच से बाहर होता है उसे भी इन्फ्लेशन कहा जाता है। और यहाँ तक ये भी आप ये कह सकते हैं कि जो ब्लैक मनी होती है वो मार्केट के अंदर जितनी ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो जाएगी समझ लीजिए कमोडिटी की परचेजिंग पावर जो है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, उसे भी हम इन्फ्लेशन कह रहे हैं। यहाँ पर उसने कहा है कि वी हैव फेल्ड टू टैकल इन्फ्लेशनरी स्पाइरल इन द कंट्री बिकॉज ऑफ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन ड्यूरिंग द फाइव ईयर प्लान।
यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन की गई है कि हमने इन्फ्लेशन की रेट जो है वो हाई रेट डिसाइड की है या लो रेट डिसाइड की है। अगर हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाते तो यहाँ पर लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन लिखा होता, लेकिन यहाँ पर जो है वो हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन की जो रेट है, परसेंटेज है, वो इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब जो है हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर कोई ना कोई फॉल्ट है। इसलिए जब इन्फ्लेशन का रेट हाई हो जाता है, यानी कि परसेंटेज ऑफ द इन्फ्लेशन हाई हो जाती है, तो वहाँ पर इकोनॉमिक डिवाइडेशन जो है वो भी बढ़ने लगता है। चाहे वो क्या कहना चाहिए, क्या करना है और क्या नहीं करना है इसके बीच हो, ठीक है, क्या प्रोडक्ट लेना है क्या नहीं लेना है इसके बीच हो, क्या फंड्स की अवेलेबिलिटी हो रही है या नहीं हो रही है इसके बीच हो, आर टेंडेड टू राइज, ये इसकी परसेंटेज भी बढ़ जाती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इट मीन्स द कन्फ्यूजनेबल पार्ट इम्प्लीमेंटेड, यानी कि कन्फ्यूजनेबल पार्ट जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। फर्स्ट प्लान इज द ओनली एक्सेप्शन व्हेन प्राइस लेवल स्लाइडेड डाउन। तो यहाँ पर उसने कहा है कि फर्स्ट पायलट प्लान जो इम्प्लीमेंट किया गया था उसके अंदर जो है वो ये एक्सेप्शन था कि हमने इसके प्राइस के लेवल को जो है वो कंट्रोल अप नहीं किया है, इसलिए हमारी जो इकोनॉमी है वो उसको कंट्रोल करने पर बिल्कुल कम्प्लीटली फेल हो गई है, इसलिए इसके कमोडिटी के प्राइस जो है वो राइज अप हो रहे हैं, जिसे एक मिडिल क्लास पर्सन या मिडिल पर्सन जो है वो अनेबल है उसके एक्सपेंस को अफोर्ड करने के लिए। इसको इसलिए इस सेकेंड पॉइंट को भी, यानी हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन को भी इकोनॉमिक प्लानिंग के फेलियर के अंदर इंक्लूड किया गया है। नाउ थर्ड पॉइंट इज अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। तीसरा जो फेलियर है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस का है, यानी कि मैंने आपको बताया था कि हमारी पॉपुलेशन, उसके बाद पॉवर्टी, उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट, ये तीन बहुत ही सेंट्रल थीम है किसी भी इकोनॉमिकल प्लानिंग को सक्सेस और फेलियर को अनाउंस करने के लिए। और यहाँ पर थर्ड पॉइंट यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, हमने कितनी भी एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स अनाउंस करती हो, कितना भी हमने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा दिया गया हो, लेकिन उसके बाद भी अगर हम अपने फर्स्ट पायलट प्लान से लेकर और इलेवेंथ पायलट प्लान तक ऑब्जर्वेशन करें तो हमें कुछ पॉइंट ऐसे देखने के लिए मिलेंगे कि जिससे कि हमें ये लगेगा कि हमारी इकोनॉमिकल प्लानिंग जो है वो फेल हुई है। यहाँ पर इसी बात को डिस्क्राइब किया गया है कि मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट ऑपर्चुनिटीज हैव बीन जनरेटेड, हजारों जो है हमने एम्प्लॉयमेंट स्कीम जनरेट की हैं, हर फाइव ईयर प्लान के अंदर एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स जो है जनरेट की जाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे सामने फिर भी ये अनएम्प्लॉयमेंट का जो चैलेंज है ये एज इट इज स्टैंड बाई है, यानी कि हम इसको जो है वो रिमूव नहीं कर पाए हैं, नहीं कर पाएंगे आई थिंक, हैज नॉट सब्सिडाइज्ड, हमें हम आज तक इसे कभी डाउन भी नहीं कर पाए हैं। अब तक 53 लाख पर्सन्स वर अनएम्प्लॉयड, यानी कि अपनी इकोनॉमिकल प्लानिंग के अंदर जितने भी हमारे फाइव ईयर प्लान हैं उसके अंदर हमने एक ऑब्जर्वेशन किया है कि 53 लाख पर्सन जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, दिस नंबर हैज रोज टू ओवर। और हमारे अब फर्स्ट फाइव ईयर प्लान के अंदर 53 लाख पर्सन अनएम्प्लॉयड थे और अब 11th फाइव ईयर प्लान चल रहा है तो ये देखिए आप कि उसके अंदर इंक्रीमेंट की हुआ है, यानी कि 53 लाख पर पीपल से लेकर और अब कितने हैं 4 करोड़ पर्सन जो हैं वो हमारे पॉपुलेशन के अंदर अनएम्प्लॉयड है। यानी कि आप ये देख सकते हैं कि 53 लाख पीपल जो थे वो फर्स्ट फाइव प्लान के अंदर थे और 4 करोड़ जो हैं वो अब 11th फाइव ईयर प्लान के अंदर एस्टिमेट किए गए हैं एट द एंड ऑफ द 11th फाइव ईयर प्लान। जब 11th फाइव ईयर प्लान का एंडिंग हुई तब हमने जो सेकेंड कैलकुलेशन की थी वो 4 करोड़ पीपल्स की थी और जो फर्स्ट फाइव प्लान के अकॉर्डिंग 53 लाख थे। अब आप ये देख सकते हैं कितना इसके अंदर गैप दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट फाइव प्लान से लेकर 11th फाइव ईयर प्लान के बीच, कि हमें ये कहने पर क्या कहना चाहिए मजबूर होना पड़ रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट के जो क्राइसिस है वो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज के ऊपर हावी आ रहा है। इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की जो परसेंटेज है वो बढ़ रही है और एम्प्लॉयमेंट की परसेंटेज डिक्रीज हो रही है और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का चैलेंज है इसे हम सब्सिडाइज भी नहीं कर पाए हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट आल्सो ए कॉज ऑफ फेलियर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। थैंक यू।